इस ब्रदर जी का नाम रमेश है और जो लक्ष्मी नगर गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी बेटी है और इसकी गवाही जे जो ब्रदर जी बता रहे हैं कि एक महीना हो गया था कि इसको फीवर था, बुखार की प्रॉब्लम थी जिसके कारण इसको चक्कर आते थे और इसके सेल कम हो गए थे जिसके कारण जो बहुत ही परेशान हो चुके थे, मेडिसिन भी खा रहे थे, इसे फर्क नहीं पड़ा था और इस प्रॉब्लम के कारण जो काफी परेशान थे और उसके बाद इसको दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम भी होगी, दुष्ट आत्मा का बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर शुरू हो गया और जो बता रहे हैं कि बार बार दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा था और जो बता रहे कि जिसके प्रभाव के कारण जो बहुत जिद करती थी और जैसे ही दुष्ट आत्मा इस पर प्रकट होता, हैवी होता तो जो बता रहे कि जे उस समय जे इनके हाथों से निकल कर चले जाते, इनको समझ नहीं आते थी पर जैसे जे बता रहे कि जे अपने घर में इसके लिए प्रार्थना करते तो कुछ समय के लिए जे सही हो जाती और फिर से जे बार बार प्रॉब्लम आ जाती और जे बता रहे कि एक दिन तो रात के समय दुष्ट आत्मा ने नेगेटिविटी प्रभाव ने इतनी ज्यादा इसको जकड़ लिया था, बहुत ही ज्यादा प्रभाव था और जैसे फिर इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की तो टीम ने जब इनको उत्साहित किया, टीच किया और जब बता रहे कि इनका विश्वास नहीं बन रहा था क्योंकि जे बहुत परेशान थे, उस समय सिस्टर की हालत बहुत ही खराब हो गई थी और जे बहुत ज्यादा दुष्ट आत्मा ने इसको जकड़ा था, इसके हाथ पांव के जे बता रहे कि कुंड मुड़ जाते थे, बहुत ज्यादा जे अपने आप जिद करती थी, पकड़ी नहीं जाती थी, हाथों से निकल जाती थी जिसके कारण इनका विश्वास नहीं बन रहा था और जो बता रहे कि जैसे फिर परमेश्वर के दास के साथ इनका इनकी बात हुई तो परमेश्वर के दास ने इनको वचनों के द्वारा उत्साहित किया और इनको कुछ वचन नोट कराए गए और जो बता रहे कि जैसे इन्होंने वो वचनों को पढ़ा तो परमेश्वर ने पूरी रात तो इसको संभाल कर रखा, अच्छे से संभाल कर रखा और जो बता रहे जैसे ही फिर टीम ने इनको रात ही मैसेज भी दिया कि कल थर्सडे की मीटिंग है तो अभी आपको वचनों की और भी जरूरत है तो कल आपने मीटिंग को अटेंड करना है। तो जैसे इनको मैसेज दी गया तो जो ब्रदर जी ने बोला कि मुझे कल काम पर जाना है तो मैं मीटिंग में नहीं आ सकता, संडे को मीटिंग हम अटेंड करेंगे। तो जैसे फिर थर्सडे की मीटिंग के दिन जो पहुंच नहीं पाए तो उसी दिन ही जब जो ब्रदर जी तो अपने काम पर चले गए पर दोपहर को इस सिस्टर की हालत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई, दुष्ट आत्मा ने फिर से इसको जकड़ लिया, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा प्रभाव शुरू हो गया और जो बता रहे इसकी फैमिली के जी अपने आप छत पर बिना सीढ़ियों से चढ़ गई तो इनकी जो बहनें थी उन्होंने सीढ़ी लगाकर छत से नीचे लेकर आए इसको। तो जब इसकी हालत इतनी ज्यादा दुष्ट आत्मा ने बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया तो फिर से इन्होंने प्रेयर टावर में कॉल की कि हमारी बेटी बहुत ही ऐसे परेशान है और इसे कोई समझ नहीं आ रही और घर से भी अपने आप ऐसे हमारे हाथ छुड़ाकर ऐसे भागने की कोशिश करती है। तो फिर से टीम ने इनको उत्साहित किया कि हमने तो आपको मैसेज दिया था कि आपको आज की मीटिंग को अटेंड करें पर फिर भी आप इसको लेकर आ सकते। तो जैसे जब मीटिंग में पहुंचे तो तब तक मीटिंग तो समाप्त हो गई थी पर जैसे फिर बहुत ज्यादा इसकी हालत खराब थी, दुष्ट आत्मा के कारण बहुत ज्यादा प्रभाव था। तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा उस समय इसके लिए प्रेयर हुई थी हम उस समय की वीडियो को देखेंगे। गंदी आत्मा जो भी है तू ते जिन्ने भी जाने हो कितने जाने हो बोलो कितने जाने हो बोल 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 कितने जाने हो वो खड़ी सी समय चल इसके अंगों से शरीर से चल टूट टूट गंदी आत्मा छट चल छोड़ टूट इसके अंगों से शरीर से दिमाग से सोच से शैतान मैं तुझे आज्ञा करता हूँ चल छट 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 द नेम ऑफ जीसस चलो खुद पूरी तरह से इसके अंगों से शरीर से सोच से दिमाग से शट इन द नेम ऑफ जीसस टूट इसी समय पूरी तरह से इसके अंगों से बदन से दिमाग से टूट पूरी तरह से
पूरी तरह से शैतान तेरे प्रभाव को गंदी आत्मा। और जैसे उस दिन इसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी, इसको बहुत ही मुश्किल से जो लेकर आए थे, और जैसे परमेश्वर के दास के द्वारा इस सिस्टर के लिए प्रार्थना हुई, तो जितना भी दुष्ट आत्मा का जकड़न था, प्रभाव था, परमेश्वर ने उस प्रार्थना के द्वारा इसको पूरी तरह से आजाद कर दिया। अभी जब बता रहे हैं कि 2 महीनों के बिल्कुल जी सिस्टर अच्छी है, अपने स्कूल जा रही है, घर का काम भी करती, स्कूल भी अच्छे से रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से, इस दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम्स इसको आजाद कर दिया है। इस गवाही के लिए जे परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। तो सुनो, सब सुनो, जो लोग कहते हैं ना कि दुष्ट आत्मा नहीं होती, ये सब क्या है, ये एक ड्रामा है, कुछ लोग पूछते ऐसे कहते हैं, पर जिसके साथ ये सब कुछ ऐसा होता है उसको पूछो उसकी हालत क्या होती है। बोलो क्या ये? ये उसकी हालत क्या होती है? इस बच्ची की हालत उस समय पता कितनी खराब होगी। बोले क्या थी? इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही, इसके हाथ पांव के कुंड मुड़ जाते थे। ये इतना नेगेटिव पावर का प्रभाव इसके शरीर में आ जाता, ये पकड़ी भी नहीं जाती थी। बोलो, उसी कारण सेल्स की कमी आ गई, बॉडी में सेल जी कि कमी आ गई, वीकनेस आ गई, फीवर की प्रॉब्लम, कितना कुछ हो गया एकदम से। ये मेडिसिन दे रहे हैं और कुछ आराम नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा? ये मेडिसिन दे रहे हैं और कुछ आराम नहीं मिल रहा, क्योंकि ये नेगेटिव पावर से था। समझ आ रही मेरी बात? पर जब वचन बताया गया तब तो ठीक हो गया, पर इन्हें बुलाया गया कि कल आपने पहुंचना है, मीटिंग है, पर ये अपने काम पर चलेगी। क्या चलेंगे? पर हुआ क्या, दोपहर को फिर से हालात है, सेम आ गया, फिर यहां पे आई। बोले क्या ने? अभी आपने उस वीडियो में देखा, क्लिप में, कि इसकी हालत कैसे थी, शैतान ने कर दी, पर परमेश्वर ने उस दिन इसे डिलीवर किया, आजाद किया। क्या किया? अपनी पावर से, अपनी सामर्थ्य से इसे आजाद किया है। आज ये बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि हमने कुछ पॉइंट इन्हें अब समझाए क्या करना है। बोलो क्या करना है? क्या करना है? तो अब ये भली चंगी है। आज कितना टाइम हो गया इसे? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। क्या हो गए? अब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई सेल्स की कमी नहीं है, कोई फीवर वीकनेस कुछ भी नहीं है। अभी पूरी तरह से परमेश्वर ने इस नेगेटिव पावर के प्रभाव से इसे फ्री कर दिया है, और ये भली चंगी है, और खुदा ने इसे छुटकारा दिया है। उस खुदा के लिए, उसके सामर्थ के लिए, इस खुदा ने अपने उस प्रेम से, उस बलिदान से, अगर वो ना देता तो आज छुटकारा नहीं मिलना था। ये बड़ा खुदा का एक प्लान था जो आज उस पूरी दुनिया में प्रकट हुआ है। तो इसलिए इस गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए हम जोर से अपने हाथों को उठाकर तारीफ करेंगे। बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैर थल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखिया शैतान नु तू पैर थल्ले। ओके, आमीन आमीन। तभी बने रहना, अब कोई गलती नहीं करना, दुष्ट को मौका नहीं देना, ठीक है? जो उसकी आंखें हैं उसमें बने रहना है। ओके, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर बरकत दे।